हरतालिका तीज पर्व के अवसर पर आज देश के एकमात्र बालू से बने शिवलिंग सौभाग्येश्वर महादेव मंदिर से महिला श्रद्धालु का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही मंदिर में महिलाओं व युवतियों की लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती है। मान्यता है कि आज के दिन व्रत करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा कन्याओं को मनचाहा वर प्राप्त होता है। उज्जैन के पटनी बाजार स्थित सौभाग्येश्वर महादेव मंदिर में हरतालिका तीज पर्व के अवसर पर महिलाओं और युवतियों का तांता लगा हुआ है। भाद्र पक्ष की तृतीया तिथि पर मनाए जाने वाले हरतालिका तीज के पर्व पर महिलाएं निर्जल उपवास करती है, साथ ही कन्याएं भी अपनी श्रद्धानुसार व्रत रखती है। सौभाग्येश्वर महादेव मंदिर की विशेषता यह है कि यह मंदिर उज्जैन के 84 महादेव मंदिरों में शामिल है और हरतालिका तीज पर्व पर यहां दर्शन करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इस मंदिर में रात 12 बजे से ही श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं। दर्शन का यह सिलसिला आज रात 12 बजे तक होंगे। आज महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए दिन भर व्रत रखती है, वहीं युवतियां अच्छे वर की प्राप्ति के उद्देश्य से यह उपवास करती है। दरअसल आज चतुर्थी और तीज दोनों एक साथ होने की वजह से श्रद्धालु दोनों त्योहार एक साथ मना रहे हैं। ये सौभाग्येश्वर भगवान का पूजन किया है, शिव जी का पूजन करते हैं, इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। किस तरह का पूजन रहता है, क्या रात भर आपको जागना रहता है? हाँ, इसमें चार प्रहर की पूजा करते हैं, रात भर जागरण करते हैं और अन्न जल कुछ सब त्याग देते हैं। क्या कुछ फल मिलता है इससे? सौभाग्य की प्राप्ति होती है। क्या नाम? गणपति देवता। ये जो है हरताला तीज का मंदिर बोला जाता है, इसको सौभाग्येश्वर महादेव बोला जाता है। 81/84 महादेव है। ये जो बालू का लिंग बना हुआ है ना, कि ये विशेषता है कि जो भी महिलाएं स्वागत महिला अपने अच्छे पति के लिए समृद्धि रहे, सुख शांति रहे, घर में स्वस्थ आयु आरोग्य के लिए ये पूजन महिलाएं करती है। कुंवारी कन्या अच्छे वर को प्राप्ति के लिए आती है और वो अच्छे वर मिले, उनको अच्छा घर मिले, इसलिए वो कुंवारी कन्याएं करती है ना। जो कि भगवान के ऊपर कई 36 तरह की पत्तियाँ वगैरह फल फ्रूट है, नाना प्रकार के पदार्थ चढ़ते हैं, फल फ्रूट है, दही है, पंचामृत पूजन वगैरह, इस प्रकार से कार्य करके पूजन वूजन करके जाती है। कब तक चलेगा ये सब? ये कल जो है रात की 12 बजे से प्रारंभ हुआ है, आज रात की 12 बजे तक रहेगा ये।